बीजेपी जनता की भावनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने बीजेपी पर किसानों से धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को काफी मजबूत है। जी हमारे नाम से अध्यक्ष रहे लेकिन परिवार की तरफ तो वार्षिक हम लोग आए श्रद्धांजलि में भी और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में जगह दे पाएंगे। सर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयार हो रही है भाजपा का मुकाबला करने? देखिए हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें सरकार नहीं बना पाई लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1-1.5% का था और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं प्रशासन की पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी और देश में जो माहौल बना है 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादाखिलाफी करी है, विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है, हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हो उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की राह की थी उस पर चुनाव लड़ा जाए और हम इंडिया हमारे जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है बड़ी मजबूत है। अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट्स कर लिए, आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे, तो इंडिया अलायंस मजबूत है और यही कारण है शायद कि बीजेपी बोलते हैं वो 300 पार 500 पार लेकिन वो चिंतित हैं कि